नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार जिला परिषद और पंचायत चुनाव के बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी कड़ी में आज खारिया गांव में मैं पहुंचा हूँ और यहाँ पे आपको बता दूँ कि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के पोते सूर्य प्रकाश चौटाला जो है वो प्रत्याशी राजकुमार नैन के समर्थन में डोर टू डोर वोटों की अपील करने के लिए आज खारिया गांव में पहुंचे हुए हैं। बाबा मुंगानाथ की नगरी है और धर्म नगरी खारिया इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ कि अपने समर्थकों के साथ जो है वो यहाँ पे वोटों की अपील लगातार डोर टू डोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए सूर्य प्रकाश से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद राजकुमार नैन जी से भी बातचीत करेंगे। सूर्य प्रकाश जी, कैसा रिस्पांस, क्योंकि काफ़ी समय हो गया आप तो डोर टू डोर लगभग जा आए होंगे, कैसा रिस्पांस लोगों का मिलता है? जी पहले तो नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हरियाणा की टीम का कि आप इतने दूर से इंटरव्यू लेने आए, हमको इस काबिल समझा। और मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा, आपके सब्सक्राइबर्स को। और देखिए, मैं आज खारिया गाँव में अपने साथियों के साथ डोर टू डोर कर रहा हूँ। मैं अभी ना किसी को मैसेज दे के आया था और चंद आप मानो 15 मिनट में इतने सारे साथी इकट्ठे हो गए। हर लगभग हम 20-25 जनों की संख्या में वोट मांग रहे हैं डोर टू डोर। बहुत सभी का प्यार मिल रहा है, बुजुर्गों का, नौजवानों का, बच्चों का, और सभी बहुत ही समर्थन कर रहे हैं। और राजकुमार नैन जी हमारे प्रत्याशी जोन नंबर 6 से जिला पार्षद के लिए उगता सूरज इनका निशान है और सभी के सर समर्थित कैंडिडेट हैं। ये सभी बहुत प्यार दे रहे हैं, सभी कह रहे हैं ये लगभग मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार वोटों से जीतेंगे। बाकी सभी का साथ में मैं ये कहूँगा कि जी आप विकास के उस पर जाइए। हमने जितने भी गांव हैं, 15 गांव हैं, लगभग 12 से 13 गांव में चरणजीत सिंह जी, मेरे दादाजी ने नाली दिलवाई हुई जिससे अच्छा फसलों का पानी आ रहा है, नहर का पानी आ रहा है और लोगों की फसल इतनी अच्छी हो रही है कि पहले जिनके कच्चे घर थे उन्होंने अब पक्के घर बना लिए। सूर्य प्रकाश जी, अगर बात करें तो जो 2 से 3 गांव आपने अभी बताया कि 15 गांव हैं जिनमें से 12-13 गांव में नाले का पानी आ रहा है, बाकी जो गांव बचे हुए हैं उनमें आप जाते हो तो वो लोग शिकायतें नहीं करते कि हमारे गांव में भी नाले का पानी आना चाहिए? जी 3 गांव हैं, चक्का भुना और एक अपना इधर मेहमतपुरी के पास गाँव है। देखिए चक्का मुन्ना में तो हमने अभी पाइप डलवा दी है और लगभग आप मानिए जनवरी फरवरी तक उधर भी पानी आ जाएगा। जो मेहमतपुरिया के पास हमारा गांव है उधर जो नाई वाला खरीफ चैनल का पानी है वो आप मानिए कि जल्दी से जल्दी अप्रैल मई तक आ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जो तीनों गांव हैं उनका प्रोजेक्ट चालू है, ये जो अपने खारिया गांव है यहाँ का तो शुरू से पानी लग रहा है, टेल तक लगता है एकदम, और मेहमतपुरिया में भी अब चालू हो गया थोड़े समय पहले। और जो भी है आप मानिए अप्रैल तक जितने भी गांव हैं सभी में पानी आ जाएगा। हमने पानी के नाम पर वोट मांगे थे और पानी का हम सभी गांव में दे के जाएंगे ताकि जितने भी, देखिए जी कोरोना के समय के बाद सभी लोग बहुत ही गरीब हो चुके हैं और हम उन्हीं का साथ देने के लिए, अपने भाइयों का साथ देने के लिए उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। डोर टू डोर जाके हम वायदा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमने जो विकास किया उसके नाम पर हमें वोट दो और आगे भी और विकास करेंगे। डोर टू डोर जा रहे हैं, चुनाव के समय में जो है वो लोगों से डोर टू डोर मिलने का मौका मिलता है तो कैसा महसूस होता है लोगों के पास? देखिए जी ऐसा महसूस होता है कि अपने घर पे ही आ गए। लोग इतना प्यार देते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं, कहते हैं कि बेटा कि तू आ गया, हमको बस यही चाहिए। वो बड़े खुश होते हैं, हमको सही में ची कसम से इतना प्यार मिलता है। रानिया हल्के का इतना प्यार है, सभी हल्कों का प्यार है, पर जी रानिया तो हमारा घर ही है। चलिए शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी। राजकुमार नैन जी से बातचीत करते हैं। नैन साहब, आपको प्रत्याशी बनाया गया है और पूरा परिवार आपके लिए वोटों की अपील कर रहा है चौधरी साहब का, तो क्या कुछ कहना चाहिए? जाखड़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपके केयर इन्हें टीम का धन्यवाद करता हूं। बाकी मेरे पक्ष के अंदर मंत्री जी का पूरा परिवार सारा लग रहा है अपने प्रचार के लिए। बाकी मैं 5-6 साल से खारिया गांव के अंदर गौशाला प्रधान और गौवा की सेवा करता हूं और धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ हूं। मुझे मेरे मंत्री जी के पूरे परिवार का और गौशाला की सेवा का, बाबा मुंगानाथ जी के आशीर्वाद से 6 नंबर मेरे जनता के जोन का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। उगता सूरज का मेरा चुनाव निशान है। ठीक है, लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग? मैं लोगों को ये मैसेज देना था, मेरे पक्ष में वोट का मतदान करें, इसके इस मेरे पक्ष में वोट का देंगे तो मैं आगे भी इस प्रकार गौ सेवा करता रहूँगा, सामाजिक सेवा करता रहूँगा और मंत्री जी के पूरे परिवार का पूरा धन्यवादी रहूँगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो भी पार्टी प्रत्याशी खड़ा करती है
केवल एक नेता, मुख्य नेता जो है वो जा करके उनका चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ तो चौधरी रणजीत सिंह जी जो है उनका पूरा परिवार, चाहे उनके बेटे हैं, चाहे उनकी पुत्र वधू है, चाहे उनके पोते हैं और पोतियाँ हैं, यानी कि बच्चे से लेकर के बड़े तक पूरा का पूरा परिवार जो है वो राजकुमार नारायण जी के लिए वोटों की अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी का परिणाम है, प्रमाण है कि लगातार जो विकास किए हैं चौधरी रणजीत सिंह जी ने, उन विकास कार्यों के नाम पे वोट मांगने का काम जो है वो लगातार यहाँ पे चौधरी साहब का परिवार कर रहा है, और आने वाले समय में इनका कहना है कि विकास किया है और आने वाले समय में भी विकास करते रहेंगे, और आने वाले समय में 15 गांव के विकास के लिए, ज़्यादा विकास के लिए जो है वो राजकुमार नारायण को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके सफल बनाए। उगता सूरज इनका निशान, चुनाव चिन्ह जो है वो आया है, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर के, और आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ चुनावी समीकरण रह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश कुदारा के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।